What can you say uh, about the relationship with with her ex? Uh, I mean, did you ever suspect that that he could be this violent? I had a feeling, but I don't think I seriously ever suspected anything because I did not have the misfortune or fortune of meeting him in person. I only met him through FaceTime. I didn't understand, I didn't know.

I tried. You cannot blame me on that thing. Before starting this video, I just want थैंक you know, last week. जिन्होंने मुझे donate kara tha. Again, it's not करा था it really helps me out a lot. So, thank you. Okay, let's continue ना एक South Asian Muslim लड़की बहुत ही बुरी मैरिज से गुजर रही थी उसके और उनके पति के बीच में प्यार नहीं था और ऊपर से मुस्लिम होने की वजह से उसके ऊपर काफी प्रेशर भी था एक सेट इमेज बना के रखने के लिए तो सानिया ने ये डिसाइड करा कि वो अपने डिवोर्स की और अपनी फ्रीडम की जर्नी इंटरनेट पर शेयर करेगी विच माइट बी हेल्पफुल टू अदर लेडीज इन हर कम्युनिटी पर सानिया को यह क्या पता था कि उसका डिवोर्स और उसकी ये वीडियोस, उसकी मौत का कारण बन रिवॉल्विंग अराउंड सानिया खान ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्ड पाकिस्तानी अमेरिकन सानिया खान शिकागो में रहती थी उनकी फैमिली पाकिस्तान से मूव हुई थी यहाँ एंड सानिया के डैड ने अपने काम की शुरुआत सोशल वर्क से करी थी उन्हें शुरुआत में मिनिमम वेजेस से भी कम पैसे मिलते थे बट मूविंग टू अ न्यू कंट्री इज ऑलवेज हार्ड तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं शुरुआत में सानिया जब पच्चीस साल की हुई तो वो भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी एंड पैसे कमाने के लिए सानिया ने फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब कर ली ये फोर्सफुली नहीं था शी लव टू ट्रैवल एंड उसे नई जगह को कैप्चर करना नए दोस्त बनाना और नए कल्चर को एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद था वो एयरलाइंस के लिए काम तो कर रही थी पर सानिया को फोटोग्राफी एंड वीडियो शूट्स का बहुत शौक था एंड अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स दिस वाज हर लाइफ को सो एज अ फ्लाइट अटेंडेंट काम करते हुए सानिया ने कुछ पैसे बचाए एंड पैसे बचाकर उसने अपने लिए एक डी कैमरा खरीदा जिसके बाद अपने फ्री टाइम में वो फ्री काम और प्रोफेशनल शूट्स भी करती थी एंड सानिया का काम इतना अच्छा था कि अपने एरिया में वो एक प्रोफाउंड फोटोग्राफर बन गई बहुत सारा काम मिलने के बाद सानिया ने अपनी एक वेबसाइट भी खोली जिसकी मदद से उसे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आने लगी एंड शी वॉज रियली प्राउड ऑफ हर स्किल्स ये वेबसाइट अभी भी अवेलेबल है तो तुम लोग ये जाकर देख सकते हो कि अपने काम को लेकर और अपनी हॉबी को लेकर सानिया कितनी पैशनेट थी वो इन शूट से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही थी इतना अच्छा कि उसने अपनी फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान बस फोटोग्राफी में लगा दिया वो अपनी फोटोज के लिए ज्यादा चार्ज करती थी पर उसका पोर्टफोलियो देखकर ये क्लियर है कि ऐसा क्यों था जब से जन कि अभी कोई नया फोटोग्राफर ना ये वीडियो देख रहा होगा तो वो दिमाग में ये सोच रहा होगा कि भाई इससे अच्छी फोटोज तो मैं खींचता हूँ मैं अभी चार्ज करूंगा मैंने जब सानिया फोटोग्राफी कर रही थी तो वो अपना काम टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट करती थी जहाँ उसका काम और उसकी लाइफ देखने के लिए काफी लोग उसे फॉलो करते थे स्पेशली ऑन टिकटॉक शी है उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से भी उसे काफी सारे क्लाइंट्स मिले होंगे

हैड अ बॉयफ्रेंड रहील अहमद सानिया और रहील पाँच साल से डेट कर रहे थे तो उसने सोचा कि अब जब घर से प्रेशर आ ही रहा है सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मैरी हिम एंड दे डेट गेट मैरिड इन 2021 ट्वेंटी वन सो लास्ट ईयर उनकी बहुत धूमधाम से शादी हुई एंड रहील में वो सब कुछ था जो सानिया को चाहिए था रहील सानिया के बिजनेस को सपोर्ट करता था उसे प्यार करता था एंड वो उसे काफ़ी चैरिश भी करता था पर ये सब कुछ एक दिखावा था एक्चुअली में रहील और सानिया की रिलेशनशिप की रियलिटी कुछ और ही थी रहील सानिया के फ्रेंड्स एंड फैमिली के अकॉर्डिंग एक मेनिपुलेटर कंट्रोलिंग एंड लाइंग बॉयफ्रेंड था जब सानिया और रहील की शादी हो रही थी तो रहील ने सानिया से कहा था कि वो तीस साल का है मैन एक्चुअली एट दैट टाइम ही वॉज थर्टी सिक्स कहीं सारे केसेस में रहील सानिया को गैसलाइट करता था पर रिलेशनशिप की शुरुआत में ये सब कुछ इतना गंदा नहीं था दे डेड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेसनशिप फॉर ऑलमोस्ट फाइव ईयर्स एंड इसके बीच में सानिया रहील से मिलने जाती थी जब भी उसकी फ्लाइट का ले ओवर राहील की सिटी में होता था बट इन पाँच सालों में भी राहील काफी डिमांडिंग था मे बी लेस कन्वर्जेशन और मेबी लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से सानिया को कभी ऐसा नहीं लगा कि राहीलिल एक इतना बुरा आदमी हो सकता है पर शादी के बाद रहील काफी एंड कंट्रोलिंग हो गया था वो सानिया की हर एक चीज पर नजर रखता और उसे टोकता वो किस टाइप के कपड़े पहनती है वो किन दोस्तों से मिलने जाती है वो किस टाइप के क्लाइंट्स लेती है हर एक चीज रहील के थ्रू होकर जाती थी नई नई शादी थी उनकी एंड रहील अभी कुछ काम नहीं कर रहा था तो सानिया को लगा कि शायद रहील स्ट्रेस में है एंड वहील के लिए सानिया ने चेंज होने का ट्राई करा वो रहील के लिए खाना बनाती थी ज्यादा रहीलिंग कपड़े भी नहीं पहनती थी एंड उसने अपने दोस्तों से भी मिलना काफी कम कर दिया था शी शी बिकमिंग मोर मोर एंड ऑफ हेटेड जस्ट टू सेव हर मैरिज शादी के बाद वो बोल्ड नहीं थी शादी के बाद वो लाउड नहीं थी एंड वो अपनी कोई भी चीज किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही तो एक दिन इन सब चीजों से तंग आके उसने फाइनली अपने दोस्तों से कन्फ्यूज करा कि वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है सानिया ने अपने दोस्तों को यह भी बताया कि उसका हस्बैंड मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है एंड सानिया को घर पे सेफ फील नहीं होता है The end line was कि पाकिस्तानी फैमिली में होने की वजह से यह इतना ईजी नहीं था सानिया ने अपने फ्रेंड से कहा कि हमारी कम्यूनिटी में डिवोर्स को काफी गंदी नजर से देखा जाता है सानिया की एक क्लोज फ्रेंड ने यह भी कहा था डिवोर्स वाज कंसीडर्ड शेमफुल एंड शी वॉज एक्सट्रीमली लोनली सानिया के ऊपर कल्चरल प्रेशर था अपनी मैरिज में रहने के लिए वरना उसकी फैमिली क्या कहेगी रहील की फैमिली क्या कहेगी सानिया के खुद के पेरेंट्स भी डिवोर्स थे तो उसे लगा कि अगर वो भी डिवोर्स कर लेगी तो उसकी पूरी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा पर सानिया ने जब अपनी चिंता अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताई तो उनसे उसे सिर्फ सपोर्ट ही मिला और इतना सबको झलने के बाद उसने फाइनली डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया था जिस चीज को लेकर रहील और उसकी फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थे रहील ने डिवोर्स के पेपर तो साइन कर दिए थे पर वो सानिया से प्लीड करता रहा दैट दिस इज़ अ बिग मिस्टेक एंड यूनिवर्स वांट्स अस टू स्टे टुगेदर पर जब सानिया ने रहील की नहीं मानी तो वो अपने असली रूप में आ गया वो कहीं बार सानिया को फॉलो करता अगर सानिया कभी किसी लड़के से बात करती तो वो सानिया को कॉल करके हरास करता था और फिर रात में वो सानिया के घर घुस जाता था इन सब से बचने के लिए सानिया ने रहील के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया एंड उसने अपने घर के लॉक्स भी ज़्यादा सिक्योर लॉक्स से, से स्विच कर दिए थे शी वॉज डूइंग एवरी थिंग नाट शी कुड क्योंकि रहील अब एक प्रॉपर स्टॉकर बन गया था सानिया जब अपने डिवोर्स का अप्रोच करी थी तो वो काफ़ी खुश थी उसके टिकटॉक्स के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रही थी और उसने अपने पुराने घर से कहीं दूर एक नया अपार्टमेंट ले लिया था ताकि गलती से भी उसे कभी रहील न दिखे अपनी ये न्यू लाइफ एंड न्यू फ्रीडम वो टिकटॉक के थ्रू दिखाने लगी इन होप्स कि उसकी जैसी कंडीशन से गुजरने वाली लड़कियों के लिए वो एक सहारा बन जाएगी सानिया को ये पता था कि डिवोर्स की वजह से शी वॉज द ब्लैक शीप इन आर कम्युनिटी पर सानिया को ये क्लियर था कि उसे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी इन टिकटॉक्स की वजह से सानिया काफी लोगों से जुड़ पाए एंड शी वॉज एबल टू कनेक्ट विद अल लॉट ऑफ गर्ल्स एंड अपनी हर एक टिकटॉक के साथ सानिया का फॉलोअर काउंट भी बढ़ रहा था सो मच सो कि साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को सानिया के डिवोर्स के बारे में पता था सो फनी टू बाहर देश में भी जो देसी लोग हैं ना उन्हें फिर भी चाहिए आई एम सॉरी फॉर लाफिंग लेट्स कंटिन्यू सो शी वाज गेनिंग पॉजिटिव कमेंट्स फ्रॉम हर टिकटॉक्स और लाइक ऑनलाइन प्रेजेंस इन जनरल पर दूसरी साइड अपने कुछ फैमिली मेंबर्स से एंड रहील के फैमिली मेम्बर से भी उसे नेगेटिव कॉमेंट्स मिल रहे थे राहील के फैमिली ने कहा कि तुम ऐसे छोटे कपड़े पहनकर हमारे बेटे का नाम मत लो और तुम ये सब बस हमारी फैमिली का नाम खराब करने के लिए कर रही हो तुम इस डिवोर्स वाली सिचुएशन का सिर्फ फ़ायदा उठा रही हो राहील ने इस टाइम पर दूसरे शहर जॉर्जिया में मूव इन कर लिया था एंड डिवोर्स के बाद एंड इन टिकटॉक्स को देखने के बाद उसने सानिया को फॉलो करना भी बंद कर दिया था सो सानिया थॉट दैट ऑल ऑफ दिस ओवर वन सानिया वॉज ट्वेंटी उसने डिसाइड करा

direct and bold and effervescent she was my mirror and i love her she's absolutely exquisite and so much fun yeah those are amazing photos of, of the both of you i know that she was closing out one chapter of her life at least hoping to end her marriage um, and she was going to move and, and try to get away and you were actually you were you were planning to help her right I was. I'm also her roommate. So I went up to see her and bring her home. जिस दिन सानिया शिकागो छोड़कर जाने वाली थी उसी दिन राहील भी शिकागो आया वो बहुत गुस्से में था एंड उसे सानिया से आंसर चाहिए थे पहले सानिया काफी केयरफुल रहती थी कि कहीं रहील उसका पीछा ना कर रहा हो पर अब उनके डिवोर्स को पांच महीने हो चुके थे और रहील के दूसरे सिटी में मूव इन होने की वजह से सानिया इतना अलर्ट पे नहीं थी एंड इस चीज़ का राहील ने पूरा फायदा उठाया रहील ने ग्यारह घंटे ड्राइव करा जॉर्जिया से सानिया के अपार्टमेंट तक एंड जब राहील के घर वालों ने देखा कि उनका बेटा मिसिंग है तो उन्होंने सीधा पुलिस को फ़ोन कहा एंड कॉल करके उन्होंने पुलिस को कहा कि आप प्लीज़ कैलिफोर्निया में सानिया का घर चेक करिए कहीं हमारा बेटा वहां तो नहीं है दीज आर द सेम पीपल जिन्होंने सानिया को शेम करा था सो इफ दे वर इन टेंशन तो तुम सोच सकते हो कि राहील के अंदर कितना गुस्सा होगा पाँच महीनों से रहील पूरे ड्राइव में सानिया के बारे में ही सोच रहा था और जैसे ही वो सानिया के अपार्टमेंट में पहुंचा उसने दरवाज़ा जोर से खोलकर सानिया का नाम चिल्लाया सानिया उस समय घर पर ही थी और उन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट होने लगी जो सब कुछ एक नेबर ने सुन लिया था दिस नेबर डिड नॉट नो सानिया दैट वेल तो वो अपने काम पर निकल गई एंड एक्चुअली उस अपार्टमेंट में क्या हुआ था वी विल नेवर नो दैट थिंग बट दूर से ही इस नेबर ने एक गन शॉट की आवाज़ सुनी एंड जब वो वापस सानिया की तरफ भागी तो उसने एक और गन शॉट की आवाज सुनी जब पुलिस वहां आई तो उन्होंने देखा कि सानिया मरी पड़ी है और रहील के गर्दन से काफी खून बह रहा है तो वो रहील को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए पर रास्ते में जाते ही रहील ने अपनी आखिरी सांस से ली राहील ने पहले सानिया को और फिर खुद को गोली मार दी थी and लास्ट में सानिया को अपनी जान देकर ही इस शादी से छुटकारा मिला एंड दिस इज वाई दिस केस नीड्स टू बी स्प्रेड अमंग साउथ एशियन वुमेन एंड गर्ल्स तुम लोगों ने भी इस बारे में कहीं बार सुना होगा या अपने घर के आसपास से होते हुए देखा होगा कि कैसे लड़कियों की जबरदस्ती शादी करवाई जाती है इन्होंने चुप करा दिया जाता है पर अगर इन शादियों का एंड मौत ही है देन आर दे रियली वर्थ इट लेट्स सानिया बी योर एग्जांपल एंड विद दैट ये केस यहीं पर समाप्त होता है बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं दैन प्लीज़ डोनेट टू मी थ्रू यू पी आई मैं अपने ज़्यादातर केसेज यू पी आई से ही लेता हूँ सो या कंसडर सपोर्टिंग मी ओवर ओरते हैं अगर तो नेक्स्ट आउटफिट निकाल लें दिन गो फॉलो मिन इंस्टाग्राम आई होप यू लर्न समथिंग वेल स्पेंडिंग योर टाइम हेयर विद मी एंड टेक केयर ऑफ यल्फ गाइज प्लीज कीप एल आउट वन वेरी क्लोज टू यू एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सोन बाय बाय